हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग सभी लोग का वेलकम था एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले कैसे आप किसी भी पकवान को इजीली पकड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो लेजेंडरी हो या नॉन लेजेंडरी हो। जी हाँ, तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को कुछ पकवान की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि एक आपको स्किपलूम पकड़ लेना है जिसको आपको जंप लक में इवॉल्व कर लेना है, एंड एक गैस्ली पकड़ के उसको आप गेंगा को ये सब अटैक्स सिखा देगा, मतलब वो खुद से सीख ही लेता है ये सारे अटैक्स। लिक थोड़ा डैमेज देने के लिए, हिप्नोसिस सुलाने के लिए, एंड ये नाइट शेड जिसका डैमेज 1000 एग्जैक्टली है। एंड नेक्स्ट है जंप लव। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास जंप लव नहीं तो आप बल्बस को यूज़ कर सकते हैं जूनियर हंटिंग से, जो आपको मिल जाएगा वहाँ से। एक स्लिप पाउडर सुलाने के लिए, कॉटन स्पोर उसका स्पीड कम करने के लिए, एंड कॉटन स्पोर के बाद स्वीट स्कैंड उसका डॉज कम करने के लिए, एंड ये मेगा ड्रेन इसका तो काम नहीं है। एंड डॉज मतलब हिप्नोसिस या स्लिप पाउडर मिस नहीं होने के लिए, इसलिए स्वीट स्कैंड यूज़ करेंगे। एंड चलिए आपको दिखा देते हैं टायरेंटा हम लोग पकड़ने वाले। तो टायरेंटा पकड़ने से पहले आप लोग अपना पोकेबॉल चेक कर लीजिए, जैसे कि उसी टाइप का पोकेबॉल्स आप चेक कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पास टायरेंटा के लिए रॉक टाइप पोकेबॉल मैं रख लिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पास। तो आप लोग भी रख लीजिएगा स्टोर से ख़रीद के। एंड तो चलिए पकड़ने चलते हैं टायरानी टार को एक एग्जांपल के लिए। तो चलिए सबसे पहले स्पिन मारते हैं, एंड यहाँ पास फास्ट वर्ड कर लिए ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो, एंड मिलने वाला टायरानी टार अपने को। एंड यहाँ पास मिल गया टायरानी टार। जी हाँ दोस्तों, टायरानी टार हम लोग को मिल चुका है। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं पकड़ने। सबसे पहले जंप लव या फिर बल्बासोर को, वीनासोर को चुन लीजिए, एंड सबसे पहले स्प्रे यूज़ कर लेते हैं ताकि सामने लेजेंडरी पकवान है, इसलिए हम लोग स्प्रे यूज़ कर रहे हैं। एंड ग्रीन वाला करने के बाद सामने वाला अटैक करेगा, एंड अब हम लोग करेंगे स्लिप पाउडर। एंड अब वो सो चुका है, तो अब करते हैं हम लोग कॉटन स्पोर्ट ताकि उसका स्पीड कम हो जाए, ताकि वो पहले ना मारे हम लोग से। एंड करते हैं अब स्वीट स्कैन ताकि स्लिप पाउडर मिस ना हो, एंड अब करते हैं वापस से स्लिप पाउडर क्योंकि अब वो जाग चुका है। देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग पहले मार रहे हैं क्योंकि हम लोग ने किया है कॉटन स्पोर्ट। हम लोग एक और करते हैं ताकि और स्पीड कम हो जाए। एंड अब चुनते हैं हम लोग गेंगार को ताकि अपना जो स्ट्रैटेजी उसको अपनाने के लिए। एंड अभी वो जाग चुका, तो एक हिप्नोसिस करते हैं। एंड हिप्नोसिस करने के बाद चलिए अब करते हैं एक लिक ताकि उसका थोड़ा सा एचपी कम हो। एंड लिक करने के बाद अभी भी नहीं उठा, तो एक और लिक कर लेते हैं। एंड एक और लिक, यहाँ पर उसका काफ़ी एचपी कम हो चुका है थोड़ा सा। एंड एक हिप्नोसिस करने के बाद जंप लक को चुनते हैं क्योंकि अपने को रिस्क नहीं चाहिए, इसलिए उसका डॉज और कम कर लेते हैं ताकि अपना हिप्नोसिस मिस ना हो। एंड ये करने के बाद एक और करते हैं, फुल पूरा बढ़ा देते हैं। उठ चुका, वापस से स्लिप पाउडर करते हैं, एंड अब ये आ चुका अपने पकड़ में, अब ये नहीं भागेगा। तो अब चुनते गेंगार को, एंड करते एक और लिक, एंड लिक से देखते कितना एचपी तक कम होता है। एक और लिक करते हैं, फिर देखते कितना एचपी होता है। एंड एक और नहीं, एक हिप्नोसिस करने के बाद एक लिक करते हैं, फिर ये आ जाएगा अपने एक और पकड़ में। एंड अब देखिए नाइट शेड का फ़ायदा, 1000 पूरा फिक्स डैमेज, एक बार किया 3101, दूसरी बार 2101। अब एक हिप्नोसिस करते हैं, फिर एक और बार 1101। आप लोग चिंता मत करिएगा, 1000 ही मारेगा। अब 101 बचा हिप्नोसिस करने के बाद, एंड अब चलिए इसका टाइप का पोकेबॉल फेंकते हैं। आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक ग्रीन स्प्रे में देख सकते हैं आप, एंड यहाँ पर चलिए उसका टाइप का पोकेबॉल फेंकते हैं। दो पोकेमोन, जी हाँ, अपने बाकी के पोकेमोन तो लड़े भी नहीं, एंड यहाँ पर दो पोकेमोन से हम उसको पकड़ रहे हैं। अभी आ जाओ अपने पकड़ में दोस्तों, चिंता मत करिए, बस सुलाइए पोकेबॉल फेंकिए, सुलाइए पोकेबॉल फेंकिए। एंड एक ग्रीन स्प्रे आपको वापस से याद दिला दूँ, एक ग्रीन स्प्रे में इसको पकड़ रहे हैं हम लोग। तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एंड पोकेबॉल फेंकते रहते हैं। आप लोग अल्ट्रा बॉल भी रख लीजिएगा उस टाइप का, ताकि इससे और आसानी हो, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। एंड स्वीट स्कैन तो भाई बहुत ज़रूरी है, उसको आप लोग ज़रूरी रखिएगा ताकि आपका स्लिप पाउडर वगैरह मिस ना हो। एंड यहाँ पास अल्ट्रा फेंकते रहिए क्योंकि अल्ट्रा काफ़ी बेहतरीन है, अल्ट्रा से काफ़ी फ़ायदा होता है। चलिए एक और फेंकते हैं, देखते पकड़ाता था ये ओपी पकड़ा गया टायरेंटा। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कितना इजीली पकड़ा गया यहाँ पास टायरानी टार। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए पहले इसको अपने टीम में ले लेते हैं। यही ट्रिक था दोस्तों आज के वीडियो में, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। एंड चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, वाह भाई क्या टायरानी टार है। चलिए इसको लोगों पर रख लेते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल पर ना सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, तब तक के लिए बाय बाय।